भागलपुर पुलिस नशा कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए एक्शन में आ गई है। बीते मंगलवार को पुलिस ने 800 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर की गिरफ्तारी की थी, जबकि देर रात्रि भागलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें एक 24 वर्षीय युवक शहर के इसाकचक थाना क्षेत्र से 530 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप के साथ पुलिस के खत्ते चढ़ गया, जिसकी पहचान बिकनपुर गुमटी नंबर 2 निवासी स्वर्गीय मुन्ना दास के 24 वर्षीय पुत्र दीपक दास के रूप में की गई है। वहीं इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के तहत शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस नशा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है और जहां नशा पान का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है उसे चिन्हित कर छापेमारी की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि इशाकचक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 नंबर गुमटी इलाके में नशीली कप सिरप का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी रीता कुमारी और सब इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से नशा कारोबारी दीपक को एक गैरेज से 530 बोतल नशीली कप सिरप के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कप्तान ने बताया कि दीपक का पहले भी आपराधिक इतिहास है, जिसे पुलिस ने एनडीपीएस के तहत एक मामले में 35 बोतल कप सिरप के साथ पहले भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तार युवक दीपक ने पुलिस को इस पूरे सिंडिकेट के बारे में कन्हैया ठाकुर का नाम बताते हुए उसे अपना सरगना बताया, जिसके इशारे पर ही इस बड़ी खेप को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खपत करने की योजना थी। जबकि कन्हैया ठाकुर पिछले कई वर्षों से नशीली कप सिरप एवं नशीली गोलियों का कारोबार धड़ल्ले से करता आया है, साथ ही वह आर्म्स एक्ट के एक मामले में 6 महीने जेल की सजा भी काट चुका है, जिसकी तलाश भागलपुर पुलिस कर रही है। आप लोगों को बताया गया था कि एक बड़ी कार्रवाई कल हुई थी, उसमें 800 ग्राम ब्राउन शुगर सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई थी, 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। कल रात में पुनः इसाकचक थाना अंतर्गत गुमटी नंबर 2 के पास झोपड़पट्टी में 530 बोतल जो प्रतिबंधित कप सिरप है उसकी बरामदगी हुई है और एक व्यक्ति, इसका नाम दीपक दास है। इसके ऊपर पूर्व में भी 2 मुकदमे इसी एनडीपीएस के पहले से दर्ज हैं और इसमें और भी जो लोग हैं, 2 लोग जो इस पूरे कारोबार को चला रहे थे, उनको भी चिन्हित किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। कौन है मास्टरमाइंड इसमें सर? इसमें एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसको हम लोग नेम कर रहे हैं, जो पकड़ा गया है उससे गहन पूछताछ हुई है और उसमें हम लोग उसका जो भी मोबाइल प्राप्त हुआ है, नंबर प्राप्त हुआ है, उसका भी विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, उसके आधार पर नामित करते हुए FIR दर्ज की जा रही है। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है? हाँ, अपराध जो जिसको नामित कर रहे हैं उसके ऊपर भी पूर्व में 5 केस दर्ज हैं और जो पकड़ा गया है उसमें 2 केस दर्ज हैं। भागलपुर के गोपालपुर विधायक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी बड़बोले नेता नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने लोकसभा 2024 चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान देकर कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला किया है। गोपाल मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के खिलाफ कड़ी विवादास्पद टिप्पणी की है। गोपालपुर विधायक ने बिहार की मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को सबसे योग्य व्यक्ति बताते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जदयू नेता नीतीश कुमार को ही देश का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही देश में घूमकर INDIA गठबंधन तैयार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके अलावे देश के अंदर कोई भी नेता प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि खड़गे को कोई नहीं जानता है, जबकि नीतीश कुमार को देश के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। इसके अलावा जदयू विधायक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जदयू को 17 सीटें लेनी है। गोपाल मंडल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की क्षमता पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को 40 सीट दे दी जाएगी तो क्या वे सभी सीटें जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि जदयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और भागलपुर में कांग्रेस तो भागवत चाह आजाद के समय से ही खत्म हो गई है। वहीं भागलपुर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा पर तंज कसते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि अजीत शर्मा केवल पैसा पर विधानसभा चुनाव जीतते हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जदयू ही है। देखिए, नीतीश कुमार ऐसा कोई बात नहीं है को सोचते हम प्रधानमंत्री बनाते, तो संयोजक बनावे नहीं बनावे, इनका काम था इंडिया का गठबंधन तैयार कर दिया अपने बलबूते पर। अब वो कोई माने या नहीं माने, इससे कोई नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला? अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए,
योग्य व्यक्ति हैं। इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे, नीतीश कुमार को होना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर कोई बनने लायक है ये नहीं है। अब कहाँ से उठा के ले आते खड़गे, अगर किसी का नाम नहीं जानता हो, खड़गे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। अयोध्या के राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश के हर हिस्से से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत के सभी राज्यों से राम भक्त सेवा और उपहार स्वरूप कुछ न कुछ सामग्री समर्पित करने में लगे हैं। वहीं 22 जनवरी से होने वाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होना है, जिसको लेकर देश भर से कलाकार और राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर से भी लोक गायकों की एक टीम अयोध्या के लिए रवाना हो रही है, जो समारोह में अपनी लोक गायकी से माहौल को राममय बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल भागलपुर मुकेश म्यूजिकल सेंटर ग्रुप के कलाकारों को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 22 से 30 जनवरी तक लोक गायकी और भगवान राम से जुड़ी मनोरंजक प्रस्तुति के लिए चयनित किया गया है, जिससे ये सभी कलाकार काफी उत्साहित होकर तैयारी में जुटे हैं। वहीं इसको लेकर लोक गायक सौरभ पांडे ने भगवान राम से जुड़े कुछ गीत भी गुनगुनाए। इसको लेकर म्यूजिकल सेंटर के सत्यजीत कुमार वर्मा ने बताया कि उन लोगों के द्वारा एंटरटेनमेंट से जुड़ा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम में उन लोगों को साउंड, स्टेज और लाइटनिंग का काम मिला है और इससे वे सभी काफी उत्साहित हैं। मौके पर प्रोग्राम मैनेजर आदित्य सिंह ने कहा कि इवेंट के दौरान उन लोगों के द्वारा एंटरटेनमेंट से जुड़ा कई तरह का आयोजन किया जाएगा और उनकी टीम में 1.5 दर्जन से अधिक कलाकार शामिल हैं। सबसे पहले भैया आपके चैनल के माध्यम से हमनी के सारा अपन म्यूजिशियन टीम म्यूजिक सेंटर की तरफ से सबके प्रणाम बा, जय श्री राम बा। अयोध्या हमनी के सारा म्यूजिक सेंटर की तरफ से हमनी के तमाम कलाकार पूजा प्रोग्राम खातिर जातन जी हमनी के इवेंट बा राखल गिल बा अयोध्या में राम के नगरी में जाके हमनी के अपन प्रस्तुति करे के बा। पूजा भैया हमनी के ऑर्गेनाइजिंग करे के बाटे हर एक प्रकार के, जैसे कि भइल डांसिंग के भी कंपटीशन, भइल सिंगिंग के भी कंपटीशन, भइल और कॉमेडी के भी कंपटीशन भइल। तो हमनी के पार्टी जो मिलल बाटे वो सिंगिंग खातिर मिलल बा। ये हम लोगों को मुकेश म्यूजिकल सेंटर के ग्रुप की तरफ से अयोध्या के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों के BCA छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को आंदोलन की शुरुआत कर दी। दरअसल BCA सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 में प्रमोट होने वाले छात्रों के सेमेस्टर 6 की परीक्षा फॉर्म भरने से विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोक लगा दी है। वहीं सभी BCA छात्र सेमेस्टर 6 के परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति देने की मांग विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कुछ भी पहल नहीं की गई है। इधर BCA की छात्रा साक्षी, सोनाली, मौसम और छात्र सौरभ, शैलेश एवं शिवम का कहना है कि डेंगू का प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाने के कारण अधिकांश छात्र छात्राओं की सेमेस्टर 4 एवं 5 की परीक्षा छूट गई थी,
जबकि उन सभी का शैक्षणिक सत्र पहले से ही विलंब से चल रहा है। वहीं छात्रों ने कहा कि उन सभी की परीक्षा अब तक नहीं ली गई, जबकि अगर परीक्षा ले ली जाती तो उन सभी का भी सेमेस्टर 4 एवं 5 क्लियर होता और वे सभी 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा में आसानी से शामिल हो पाते। क्या प्रॉब्लम है? हम लोग को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं भरने दिया रहा? 5th सेमेस्टर में बैक लगा हुआ था। अच्छा, तो हम लोग को एग्जाम लेने पहले 5th का होना चाहिए, तभी तो 6th का देंगे ना। 5th का नहीं हुआ है हम लोग का, 4th का भी नहीं। 5th तो पूरा खाली है क्लास, 4th का भी नहीं हुआ एग्जाम। पहले 4th का होगा तभी 5th का होगा, तो पहले 4th का होना था, 5th का तभी 6th का। नहीं तो हम लोग को एयर बैग लग जाएगा, 1.5 साल हम लोग पीछे चले जाएंगे, 1 साल। तो वो हम लोग नहीं चाहते। या तो हम लोग को फॉर्म भरने दिया जाए, या तो 4th सेमेस्टर का पहले एग्जाम ले, फिर 5th का, फिर 6th का, या तो 6th का पोस्टपोन कर दे अभी। तो आपने आप लोग कंट्रोलर साहब से मिली? हाँ, सब से मिले, 2-3 दिन से आ रहे हैं। क्या कहना है? बस दिसंबर से एप्लीकेशन दिए हैं, तो कुछ उधर से आ ही नहीं रहा कोई रिजल्ट। भागलपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर कई जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर भागलपुर के बरेपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली कर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं इसके बाद शांति व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बरेपुरा में भारी तादाद में पुलिस जवानों को तैनात किया गया। इधर बरेपुरा के लोगों का कहना है कि मोहल्ले में कई महीनों से बिजली का तार जर्जर स्थिति में है और ट्रांसफार्मर भी खराब पड़ा है, लेकिन बिजली विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने कहा कि जिले में कई माह से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है और स्मार्ट मीटर के फायदे कई हैं, जिसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई है। कुछ नहीं है, दिक्कत भी कुछ नहीं है, सभी लोग लगाने के लिए तैयार थे, तैयार है। चूंकि सरकार का आदेश है, उसका तो पालन करना ही है। जो पालन नहीं करेगा तो वो सरकार विरोधी है, तो उसका तो पालन करना है। लेकिन एक हम लोग बैठक इसलिए बुलाया था कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास जो दूसरे के यहाँ काम करती है और उसके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं, गरीब आदमी अगर मान लिया कि बीच में उसका रिचार्ज ख़त्म होता है, उसको घर वाला जो 15 या 20 तारीख को पैसा देता है, तो तब तक पैसा जमा नहीं करेगा रिचार्ज का, तब तक वो कैसे ये करेगा, उसका समाधान करेगा? तब तक तो बेचारा अंधेरे में रहेगा बेचारी। दूसरा क्या है कि सरकार पहले किरासन तेल देती थी तो डीबीए का भरोसा था, अब तो वो डीबीए का भरोसा भी खत्म हो गया, किरासन तेल देना बंद कर दिया। तो इसके मालिक वो अंधेरे में। हम लोग का समस्या ये कि जो पैसे वाला है जो है वो तो लगाएगा ही, चूंकि मीटर लगना भी चाहिए, ये सरकार का आदेश है। दूसरा क्या है कि देखिए, अभी मेरे मोहल्ले में ये लोग अपना पूर्ति कर रहे हैं। मेरे मोहल्ले में 2 लड़का करंट से मर गया, उसके एवज में सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया, मुआवजा नहीं मिला, 1 पैसा नहीं। वो लड़का दोनों मर गया, एक भाई को ये दूसरे के घर से तार ले आ करके वो लाइन दिया था, लड़का जाके वहाँ पे टंगनी पे कपड़ा दिया, टंगनी न देकर वो बिजली पे चला गया, एक भाई को पकड़ा, दूसरा भाई गया, वो चट के मर गया, दोनों घर का कमाने वाला था। देखिए कि आप लोग को जानकारी है कि बिजली विभाग के द्वारा सभी जगह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उसी में हम लोग बरेपुरा में भी यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। कुछ यहाँ पे लोगों का विरोध था, उसके लिए यहाँ पे बिजली विभाग के द्वारा आज एक टीम की को भी बैठाया गया था। खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा लोगों को बताया गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से क्या क्या फ़ायदे हैं और उससे संबंधित पैम्पलेट भी दिए गए लोगों को, ताकि आगे भी उनको कोई भी रिचार्ज या फिर इससे संबंधित जो भी समस्या करने में ना दिक्कत हो। साथ ही साथ उनको यह भी निर्देश दिया गया है कि अभी लगातार 3-4 दिन वो अपनी टीम को यहाँ पे बैठा के रखेंगे, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनका जो भी मतलब टेक्निकल समस्या या फिर जो भी उनको जानकारी लेनी है वो उससे लें। भागलपुर सुल्तानगंज स्थित खादी ग्रामोद्योग के प्रांगण में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने की। इस दौरान 10 जनवरी को भागलपुर मौर्या विवाह भवन में होने वाले कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने दूरभाष पर सभी राजद कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 10 जनवरी को सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। वहीं राजद के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने बताया कि कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में सहकारिता मंत्री, सांसद, विधायक और राजद के कई दिग्गज नेता पहुंचकर आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाने पर विचार करेंगे। मौके पर मोहम्मद इसराइल, बसंत कुमार, शशि रंजन, धीरेन्द्र यादव समेत राजद के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
भागलपुर के हलगांव के कलगीगंज गांव में सड़क निर्माण में हो रही भ्रष्टाचार का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों ने संवेदक के ऊपर खराब सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए 5 दिन पूर्व बनाए गए सड़क को हाथ से उखाड़ कर दिखाया, साथ ही घटिया निर्माण कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर कहलगांव सर्वदलीय समिति के सदस्यों ने निर्माण स्थल का जायजा लिया, जिसके बाद समिति के सदस्यों ने हो रहे सड़क निर्माण कार्य को देख कर नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि समिति के सदस्यों ने सड़क की जांच करवाने की मांग करते हुए इसकी शिकायत कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी अशोक मंडल से की है। मौके पर कहलगांव नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव कुमार, सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष पवन भारती, गौतम चौधरी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।